हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में आप देखोगे क्लास 9 के चैप्टर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके हम इम्पॉर्टेंट नोट्स करेंगे और ये आपके जो नोट्स हैं आपके इतने बेहतरीन होने वाले हैं क्योंकि आप इससे जो भी पढ़ोगे ना, इससे अलग आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जाने वाला नहीं है। तो इस नोट्स को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, नोट डाउन करके रखिए। बाकी मैं बाद में आपके लिए PDF भी प्रोवाइड करूँगी वेबसाइट पर, जो कि हमारा है www.pragaticlassesonline.com। तो उस पर विजिट करने के बाद कुछ दिनों के बाद वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जिसको आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। बट फिलहाल आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है और जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में से, तो सबसे पहली बात कि अब तक हमने थर्ड चैप्टर तक जो किया था उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि बेसिकली डॉल्टन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था और उसने क्या कहा था कि जो बेसिकली आपका क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर जो एटम होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है, ऐसा उसने कह दिया था। और इसको फर्दर क्या हो सकता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट बाद में क्या हुआ, जो एटम है आपके फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, वो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज करी थी वो करी है JJ थॉम्सन ने, प्रोटॉन की खोज करिए ई गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज करिए जेम्स चैडविक ने। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि प्रोटॉन की खोज में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी रहती है क्योंकि कुछ टीचर्स जो हैं वो रदरफोर्ड का भी नाम लेते हैं, बट रदरफोर्ड इसका पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा क्योंकि गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। बाकी पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो रदरफोर्ड ने दिया था, लेकिन फिर भी जो डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन के नाम से ही जाता है। तो इसलिए आपको प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन को ही याद रखना है। उसके बाद इसी को लेकर एटॉमिक मॉडल को 2-3 लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो उसी में से आपका पहले पढ़ोगे आप थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल, फिर रदरफोर्ड पढ़ोगे और उसके बाद बोर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल क्या था। इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी कहा था क्योंकि जब थॉम्सन ने अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया था तो उन्होंने क्या कहा था कि एटम इज़ जस्ट लाइक वाटरमेलन, कि एटम क्या है, एक आपका तरबूज की तरह है। तो तरबूज में जो खाने वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि उसमें जो सीड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कुछ वो इसने इलेक्ट्रॉन करके कुछ कहा था, बस ये नाम नहीं बताया था कि उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन है, बट इस बात को कह दिया था कि जो भी यहाँ पर हमारे रेड पार्ट हैं वो जस्ट क्या है, आपके पॉजिटिव पार्ट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि थोड़े से ना इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता नहीं है, सिर्फ इसमें से यही आता है कि वाटरमेलन का मॉडल किससे रिलेट करता है, तो आपका थॉम्सन है। इस मॉडल में थॉम्सन प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड पॉजिटिव स्फीयर जस्ट एज शीट्स ऑफ वाटरमेलन आर एम्बेडेड इन द रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन। तो यही चीज उन्होंने कहा था कि जो भी आपके सीड्स होते हैं वाटरमेलन में उसे क्या कहा गया कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो भी इन्हीं के नाम से जाना जाता है कि JJ थॉम्सन। अब देखिए हम बात करते हैं कि दूसरा मॉडल जो लेकर आए थे वो रदरफोर्ड लेकर आए थे। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या किया था, उन्होंने अल्फा रे को पास करवाया था गोल्ड फॉइल से। तो एक सोने की पन्नी ली थी और वहाँ से उन्होंने क्या करा था, अल्फा रेज को पास आउट करवाया था। तो जिसमें से मोस्टली जो अल्फा रेज थे वो क्या हुए थे, सीधे निकल गए थे, कुछ एंगल बना के निकल गए, जबकि एकाध जो हुआ था वो आपका वापस आ गया था। तो ये सारी चीज़ें रदरफोर्ड का आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया ये सब कुछ, तो उनके रदरफोर्ड ने ये सारे एक्सपेरिमेंट में पाया कि उनके जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स थे क्या हुआ था, गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड होके पास थ्रू हो गए थे, जबकि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे छोटे एंगल बनाकर पास आउट हुए थे। जबकि अगर 12,000 पार्टिकल्स को उन्होंने किया था तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल्स वापस आ गया था। और उसी चीज़ को उन्होंने क्या कहा कि यही न्यूक्लियस है जहाँ से क्या हुआ कि जो अल्फा रेज था, अल्फा कण थे, वो सारे के सारे क्या हुए, वापस आ गए। अब देखो रदरफोर्ड को लेकर कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि रदरफोर्ड के अगर ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछेंगे तो पर्टिकुलर इसका आंसर ये होगा। अगर उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड की कनके ने क्या कंक्लूजन किया था, तो रदरफोर्ड का बेसिकली जो भी उसका उसने अपने प्रैक्टिकल में देखा था तो उसी के अकॉर्डिंग उसने क्या करा, कंक्लूजन निकाला। तो उन्होंने ये कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी स्पेस, कि एटम में क्या होता है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए थे, पास थ्रू हो गए थे बिना, मतलब अनडिफ्लेक्टेड, बिना छोटे मोटे, क्योंकि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे, सीधे निकल गए थे। तो इसीलिए उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि जो एटम में बहुत ज़्यादा खाली स्पेस होता है। उसके बाद उन्होंने एक और बात बोली कि एटम कंटेन्स सेंट्रली प्लेस्ड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, बिकॉज
क्योंकि उन्होंने ये कहा कि एटम में कुछ ना कुछ क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उनका क्या हुआ था 12,000 अगर अल्फा पार्टिकल्स को दिया गया था तो उसमें से एक वापस आ गया था, तो इस चीज़ को कहा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होता है, और जो कि क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है। उसके बाद होल ऑफ द एटमिक मास कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, क्योंकि उन्होंने अपने कंक्लूजन में यही सब कुछ देखा था कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे वापस आ गए, इट मीन्स कि सारे के सारे मतलब पास थ्रू हो गए थे, सिर्फ कुछ ही कुछ वापस आ पाया था, तो इट मीन्स क्या है कि सारा का सारा जो है वो क्या है, खाली स्पेस है, तो इट मीन्स जो एटोमिक मास किससे डिसाइड होगा, न्यूक्लियस से ही डिसाइड होगा। तो ये सारी बातें रदरफोर्ड ने कही थी। अब हम बात करते हैं कि अपने बेसिस, अगर सिंपली आपसे पूछते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सप्लेन कीजिए, तो सिंपली आपको ये तीनों पॉइंट्स को दिखाना है कि देयर इज अ पॉजिटिव प्लेस न्यूक्लियस इन एन एटम। उन्होंने क्या कहा था कि एटम में क्या होता है, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है नियरली ऑल द मास, और उन्होंने कहा था कि मोस्टली जो मास होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है। अभी थोड़ी देर बाद आप ये भी पढ़ोगे कि मास नंबर एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपके न्यूक्लियस में होते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, और उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने न्यूक्लियस में इस तरीके से क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। इन्होंने क्या कहा था कि जितना मतलब एटम का साइज़ होता है ना उसके अकॉर्डिंग में न्यूक्लियस का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, तो इस बात को लेकर उन्होंने एक्सप्लेन किया था। बट हालांकि इनके में बहुत सारी कमियां रह गई थी, एक दो पॉइंट्स है जो कि ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल में कौन कौन सी कमी रह गई, क्या उसके ड्रॉबैक्स थे। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने कही थी ना, अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। उन्होंने क्या कहा था ना कि एटम स्टेबल नहीं है, एटम मतलब कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करता है, और वो क्या करता है ना, जब इस तरीके से जब वो घूमता है तो अपने एनर्जी जो है वो लूज कर देता है, बट पर्टिकुलर ऐसा होता नहीं है, जो कि बोर ने फाइनली बाद में एक्सप्लेन किया इस बात को। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन द वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, बट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल्स विल लूज देयर एनर्जी एंड फाइनली विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। उनका ये कहना था कि मतलब कि जब ये घूमेंगे तो अपनी एनर्जी इतनी लॉस कर देंगे कि फाइनली इनकी जो सारी एनर्जी है वो कहाँ चली जाएगी, न्यूक्लियस में चली जाएगी। दिस विल मेक एटम हाईली अनस्टेबल, और जिससे क्या होगा कि एटम क्या होगा, बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये उनका मेजर ड्रॉबैक था, क्योंकि ऐसा पर्टिकुलर होता नहीं है। तो उसके बाद आए बोर एटॉमिक मॉडल। हालांकि ये थोड़ा सा चैप्टर जो है थोड़ा सा बोरिंग सा ही है, लेकिन आप सही तरीके से पढ़ोगे ना, अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ किस तरीके से कौन कौन आया, तो आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। उसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल आया, तो जो भी रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां रह गई थी, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए 1912 में नील बोर ने अपने मॉडल को बताया, और उन्होंने ये सारे पॉइंट्स को बताए कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ पर आपका न्यूक्लियस होता है, उसके बाद इनके क्या होते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट्स होते हैं डिसाइडेड, जिसका एक का नाम KLMN इस तरीके से होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 18 होते हैं, और इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी उन्होंने बताया कि अगर आपको निकालना है तो 2n², और जो आपका फर्स्ट नंबर का ऑर्बिट है वो आपका n = 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, तो इसी की वैल्यू रखकर आप KLMN सब कुछ निकाल सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इन्होंने किसने बताया था, और जो बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो क्वेश्चन आता है वो सारा बोर मॉडल से ही आप करते हो, इसलिए बोर का मॉडल सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है एटॉमिक मॉडल के नाम पे, अगर हम बात करें। उसके बाद वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि इनका ऑर्बिट पर्टिकुलर डिसाइड होता है, तो ये तो पर्टिकुलर घूमते रहते हैं, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है कोई भी एनर्जी लूज नहीं करता है। एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एन एटम ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू, क्योंकि एनर्जी तो एब्जॉर्ब या फिर एमिट तब होगा ना जबकि क्या होगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, बट यहाँ पर तो ऐसा होता नहीं, यहाँ पर पर्टिकुलर जो सबका डिसाइडेड है कि कौन, जैसे हम बात करें सोडियम पे, तो सोडियम आपका कौन से नंबर पे, 11 नंबर पे, इट मीन्स इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, तो जो आप इसका फर्स्ट ऑर्बिट होगा के वाला उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद एल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद यहाँ पर जो आपका एम वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस तरीके से ही सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज़ को भी आपको करना है। अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है और एक मास नंबर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम में जितना प्रोटॉन होता है पर्टिकुलर, जितने भी प्रोटॉन की संख्या होती है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर को हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं,
जेड से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से मास नंबर जो है, इट इज़ द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो अगर हम सिर्फ प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं तो वो आपका एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, मास नंबर। और इस तरीके से जब आपके क्वेश्चन आएंगे ना, तो इस तरीके से आपका एलिमेंट होगा, सपोज करो कि सोडियम, यहाँ पर या तो यहाँ यहाँ पर दिखा देंगे या फिर यहाँ यहाँ पर दिखा देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट नीचे जो होगा हमेशा आपका एटॉमिक नंबर होगा और ऊपर साइड आपका मास नंबर डिनोट होगा। और इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं कि पर्टिकुलर आपको ये दोनों चीज़ें दे देंगे और कहेंगे आपसे कोई क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये सारी चीज़ें आपसे निकलवाते रहते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस चैप्टर में जो आपका लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका आइसोटॉप्स एंड आइसोबार, इसमें से आपका क्वेश्चन जो है डेफिनेटली एग्जाम में आना है, कोई रोक ही नहीं सकता इस बात को। तो हम बात करते हैं कि आइसोटॉप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इन्होंने कहा एक ही आपका क्या होता है, एटम होता है, जिसके आपका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन अगर मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। तो आपके आइसोटॉप्स और आइसोबार जो हैं जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आइसोटॉप्स के बारे में अगर बात करें तो उसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और जबकि मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है। एग्जांपल आपको याद रखना है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का 35 और 37 मास नंबर का आइसोटॉप्स पाया जाता है, तो इस चीज़ को याद रखना है। लेकिन जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 17 ही है, क्योंकि ये 17 नंबर पर ही पाया जाता है। अब उसके बाद ना आपके क्वेश्चन में ये भी आता है कि आइसोटॉप्स का क्या यूजेज हैं, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोबाल्ट के आइसोटॉप्स का कहाँ यूज़ होता है, आयोडीन का कहाँ यूज़ होता है। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं, आपके यूरोनियम का जो आइसोटॉप्स है उसको हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, जबकि कोबाल्ट के आइसोटॉप्स का यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, आयोडीन का यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के लिए। तो इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, हालांकि आइसोटॉप्स और आइसोबार को तो आपको अच्छी तरीके से रट लेना, एग्जाम में डेफिनेटली आपको आएगा ही आएगा। अब आइसोबार के बारे में हालांकि हमने थोड़ी सी पहले ही बात करी थी कि आइसोबार आपका ऐसा एटम होता है वो उन एलिमेंट का जिनका मास नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। तो आइसोबार का एग्जांपल आपका नाइट्रोजन और कार्बन के साथ है, जबकि देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का जो मास नंबर है वो भी 14 है, कार्बन का भी नॉर्मल, मतलब वैसे तो कार्बन का जो नॉर्मल मास नंबर है वो 12 है, लेकिन कार्बन 12 भी पाया जाता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन जो है इनका क्या हुआ, मास नंबर सेम हो गया जबकि इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया आइसोबार का। उसी तरीके से सोडियम और मैग्नीशियम का भी होता है। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो आप अभी स्क्रीनशॉट लेके भी याद रख सकते हो। और वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इसको आप अगर कॉपी में नोट डाउन करोगे ना तो आपको चीज़ें याद भी होती रहेंगी और आप काफ़ी अच्छा फील करोगे और एग्जाम टाइम पे आप उसको पर्टिकुलर पढ़ भी पाओगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।